सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो एक कार्यक्रम में दर्शकों के बीच से रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर लोगों से मिल रहे हैं और इस बीच दर्शकों में कोई अपशब्द बोलते हुए सुनाई देता है। ये वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स इस घटना की निंदा कर रहे हैं। चूंकि वीडियो में देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं, इसलिए ऑल्ट न्यूज आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा है जिसे हमने सेंसर किया है। यही वो क्लिप है जो वायरल हो रही है। एक अलग ऑडियो के साथ भी ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में अपशब्द नहीं सुनाई देते हैं। इसे अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के जोरदार स्वागत का वीडियो बताकर शेयर किया गया है। ऑल्ट न्यूज ने जब इस वीडियो के बारे में पड़ताल की तो सबसे पहले सामने आया कि कहीं भी किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। हमें इस बात पर संदेह हुआ कि यह वीडियो शायद महामारी से पहले का हो। इसे ध्यान में रखकर YouTube पर कीवर्ड सर्च किया और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 के अमरीकी दौरे का एक वीडियो मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से अपलोड किए गए इस वीडियो में करीब 2.25 घंटे बाद वही दृश्य देखने को मिलते हैं जो वायरल वीडियो में दूसरे एंगल से दिख रहे हैं। यहां से यह साफ हो जाता है कि यह वायरल हो रही क्लिप नरेंद्र मोदी के अमेरिका के 2019 दौरे की थी। एक और चीज यही बात प्रूव करती है, वो है स्टेज पर लगा हुआ एक बोर्ड जिस पर टेक्सस इंडिया फोरम लिखा है। इसी टेक्सस इंडिया फोरम ने 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया था। जो दो अलग अलग ऑडियो के साथ वीडियो शेयर किया जा रहे हैं, ऑल्ट न्यूज उनके ऑडियोज की पुष्टि नहीं करता है। आप यहां ध्यान दें कि एक वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए शेयर किया जा रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में दृश्य तो वही दिखते हैं लेकिन उसमें अपशब्द सुनाई देते हैं जो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ऑल्ट न्यूज ये यकीन के साथ कह सकता है कि ये वीडियो नरेंद्र मोदी की 2019 की अमेरिका की यात्रा का है, न कि 2021 की। फिलहाल इसे गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है।